सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा ऑसम सा एन्चेंटिंग रूम। क्या मतलब कि तुम अब मुझसे ये पूछोगे कि मेरे सारे बिल्ड बहुत ही ज्यादा ऑसम ही क्यों होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी आर रियली क्लोज टू 50 सब्सक्राइबर। तो क्या करूँ ना, बट लाइक तुम में से एक बंदा भी सब्सक्राइब कर देगा तो हम 50 सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे। तो सब्सक्राइब करो, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बाकी टाइम पास नहीं करते और वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते। ओके गाइस, तो अभी मैं इस एन्चेंटिंग रूम को यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ये एरिया क्लियर करना पड़ेगा मुझे, लाइक इसको प्लेन करना पड़ेगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो मैं अब, मेरे पास अभी एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्लान है। इतनी डर तो मेरे पास नहीं होगी, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया प्लान। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं वहां से डर्ट लाके यहाँ पे लगाऊंगा। Two thousand years later. Okay guys, तो मैंने पूरा एरिया यहाँ पे प्लेन कर दिया और ये अभी बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। हाँ, मेरी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ऑसम ही लगती है, पता नहीं क्यों। लेकिन अभी मैं इसे यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देता हूँ और इस बिल्ड को अभी हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें 7x7 का एक एरिया डिक कर लेना है और उसे कॉर्नर के ब्लॉक्स को हमें स्टोन ब्रिक्स के फिलअप कर देना है। सारी साइड से हमको ये चीज करनी है, तो ये मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो अभी हमको साइड के ब्लॉक्स पे लगा देने स्टोन ब्रिक्स और उन साइड के ब्लॉक्स पे लगा देने हमको स्प्रूस के स्टेयर्स। ये बिल्ड बहुत ज़्यादा छोटे होने वाले, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाली है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, हमको इस साइड पे आ जाना और अपने बिल्ड को देखना है। बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है ये, लेकिन ये गलत हो चुका है। अब इस जगह पे हमको लगा देना है एक स्प्रूस के स्ट्रिप ब्लॉक। सो ये मैंने गलत लगा दिए थे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो ये डर्ट के, इसको हमें रिमूव कर देना है और इसकी जगह पे हमको अलग ब्लॉक लगाने हैं जो कि है स्प्रूस के प्लैंक्स, जिससे कि इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा मस्त आने वाली है। सो ये भी मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो अभी हमको क्या करना है, ये जो कॉर्नर के ब्लॉक देख रहे हो यहाँ पे हमको 3 हाइट के स्ट्रिप स्प्रूस लॉग लगा देने हैं और ये सारे साइड पे हमको करने हैं। सो ये मैं करके आता हूँ। A few inches later. गाइस, हमारी बिल्ड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं आपको इसे दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप। बाकी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अभी हमको यहाँ पे सिर्फ इंचांटिंग टेबल लगाना बाकी है, जो कि मैं अभी यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसे लगाने के बाद क्या हमको 30 लेवल की इंचांटमेंट मिलने वाली है, तो अभी मैं इसे यहाँ पे फटाफट से कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको दो, सबसे पहले कोई भी ब्लॉक लगा देने हैं, रैंडम ब्लॉक। फिर अभी हमको यहाँ बुकशेल्फ लगाने स्टार्ट कर देने हैं। सो मैं इसे फटाफट से करके आता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैंने इसको बना लिया और अभी ये हमको 30 लेवल की एन्चेंटमेंट दे रहा है, लेकिन मेरे पास एक्सपी बिल्कुल भी नहीं है और अभी मुझे एक्सपी कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा हमारे स्केलेटन फार्म में। लेकिन वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आइडिया है। सो वो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमको एन्चेंटमेंट क्या क्या मिल रही है। सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं सॉर्ड के ऊपर। सॉर्ड के ऊपर हमको मिल रही है स्माइट 4। ओके, मुझे कोई इशू नहीं है स्माइट 4 से, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं एक चीज़ करने के लिए। ओके, मेरे पास भी एक बहुत ज़्यादा बढ़िया आइडिया है। मैं सबसे पहले यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ एक हॉर्स को, और बाकी मेरे पास ना सैडल तो पहले से ही है, तो हॉर्स से मैं जाने वाला हूँ स्केलेटन एक्सपी फार्म के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है और ये अभी हम हमारे से टेम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। जल्दी से टेम हो जाए यार भाई, मेरे को जल्दी जल्दी काम करना है अभी। सो ओके, ये टेम हो चुका है गाइस, और अभी मैं इसको यहाँ पे सैडल लगा लेता हूँ। और क्या इसकी स्पीड है, हाँ इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अभी मैं आपको मिलता हूँ सीधा स्केलेटन एक्सपी फार्म में जाके। ओके गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और अभी मुझे क्या करना है, अभी इसको फटाफट से बांध देता हूँ वरना ये कहीं भी चला जा सकता है। तो मैं यहाँ फेंस और आया था, तो कोई इशू नहीं होने वाला है हमको। मैं इसे फटाफट से बांध देता हूँ और अभी यहाँ पे फटाफट से हम चलते हैं अंदर। यहीं पे रहियो, कहीं पे जाना मत। यहाँ पे फटाफट से हम, यहाँ पे मैं AFK करता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे हमारी 40 XP हो चुके हैं बहुत घंटों की मेहनत के बाद। लाइक कितना ज़्यादा टाइम लगा मुझे ये करने में, और 40 लेवल XP हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं तो थोड़े बहुत बोन ले लेता हूँ। लाइक रास्ते में ना मुझे कई बार यहाँ पे वुल्फ दिखते हैं, तो मैं उन्हें टेम करने का सोच रहा हूँ। तो चलो फटाफट से चलते हैं अभी यहाँ से हमारे घोड़े को भी लेके, और चलो फटाफट से ऊपर चलते हैं। यहाँ पे दिन ही हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और गैस अभी देख सकते हो मुझे यहाँ पे क्या मिल चुका है, मुझे यहाँ पे मिल चुका है एक वुल्फ, जिसको मैं यहाँ पे फटाफट से टेम कर लेता हूँ। और एक्चुअली ये दो है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो चुकी है, ताकि हम इसे ब्रीड भी कर सकते हैं, लाइक हम इनकी सेना बना लेंगे। ओके चलो गाइज मेरे पीछे चलो, मैं अब तुम्हारा मालिक हूँ, चलो मेरे पीछे चलो। एक मिनट, यहाँ से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा फटाफट से यहाँ से। अगर गैस तो मैं अभी आप पहुँच चुका हूँ हमारे घर के पास। सो ये रही हमारी जंप, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी ये, लेकिन मैंने मार ली ये जंप। और अभी मैं इन हॉर्स को यहाँ पे रखने वाला हूँ, इस हॉर्स को, और जो हमारे कुत्ते हैं, कुत्ते नहीं वुल्फ बोलूँगा, इनको मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, बिकॉज ये एरिया ना खाली ही पड़ा है, तो ये यहाँ पे रह लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्हें यहाँ पे बिठा देता हूँ और इनकी ब्रीडिंग भी करा ही देता हूँ। लगे हाथ भाई, करो भाई करो, तुम ब्रीडिंग करो और बड़ा अच्छा सा बच्चा पैदा करो, और फिर मैं इनके सेना भी बनाऊंगा। लाइक तुम इनके नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वो रखना रखूँगा ऑब्वियसली। सो इन्हें बिठा देता हूँ और फटाफट से यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। ओके बाय गाइज, इन्जॉय योर सेल्फ एंड ओके। तो मैं अभी फटाफट से अपने लिए एक नया आर्मर बना लेता हूँ, और जो मैं इंचांट किया था उसे डिस इंचांट कर लेता हूँ, और इसे भी फटाफट से एक और बार इंचांट कर लेता हूँ। सबसे पहले शॉर्ट पे देखते हैं, हमको यहाँ पे मिलती है स्माइट 4, तो ये ले लेता हूँ मैं फटाफट से स्माइट 4। और अभी पिकेक्स के ऊपर देखते हैं क्या मिल रहा है हमको, अनब्रेकिंग 3 विच इज़ गुड, सो ये भी ले लेता हूँ मैं अनब्रेकिंग 3। फॉर्चून 2 और इफिशिएंसी 3 यहाँ पे हमको फ्री में मिल गई, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और अभी हेलमेट पे मिल रहा है मुझे प्रोटेक्शन 4, ले लेता हूँ भाई, जो मिल रहा है मैं लेने वाला हूँ भाई। तो इस पे क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन 4, ओके सो ये भी ले लेते हैं हम। और अभी हमको रूट्स पे क्या मिल रहा है, ओके मेरी एक्सपी ख़त्म हो गई, मुझे प्रोटेक्शन 4 तो मिल रहा है लेकिन मेरे पास एक्सपी नहीं है। सो मैं एक्सपी कलेक्ट करके आपसे मिलता हूँ भाई थोड़ी देर के बाद। और इस पे मुझे मिल रहा है प्रोटेक्टाइड प्रोटेक्शन, ओके एक्सपी लिखे आता हूँ गाइस, इसमें बहुत सारी एक्सपी, ठीक है गाइस, मैं बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट करके लेके आ चुका हूँ। और मैंने उन शिप्स को तो बिल्कुल भी नहीं मारा, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ बूट्स पे, यहाँ पे मुझे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन मिल रहा था लेगिंग्स पे, तो ये मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पे हमको मिल चुके हैं थॉर्न्स भी मिल चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लाइक हमको कोई मारेगा तो उसे भी डैमेज पड़ेगा। यहाँ पे हमको मिल रही है प्रोटेक्शन 3, इसे भी ले लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे अपने लिए एक नई डायमंड की स्वॉर्ड बनाई है, देखने के लिए कि हमको क्या मिलता है, शार्पनेस 3 ले लूँ क्या गाइस, लेकिन एक्सपी नहीं है। एक मिनट, एक्सपी कलेक्ट करके मैं आ चुका हूँ, और अभी यहाँ पे हमको मिल रही है शार्पनेस 3, ले लेता हूँ गाइस। और लगे हाथ वो भी इंचांट कर लूँ क्या मैं गाइस। ओके गाइस, तो हमारा डायमंड का फुल इंचांटेड आर्मर रेडी हो चुका है, जिसे कि मैं अभी पहनने वाला हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अभी मैं किसी से नहीं मरने वाला, अब तो बिल्कुल भी नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते मैं किसी से भी नहीं मरने वाला। देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये, या ये यानी कि मैं, और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो आई होप गाइस आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा, मज़ा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।